विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा प्रीपेड मीटर के विरोध में वैरायटी स्क्वायर पर आंदोलन किया गया। आंदोलन के जरिए प्रीपेड मीटर नहीं लगाने की बात करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पुतला फूंका गया। महाराष्ट्र की 60% बिजली विदर्भ में पैदा होती है। इसके लिए जमीन, पानी, कोयला आदि संपदा विदर्भ से ली जाती है। बिजली संयंत्र के प्रदूषण के कारण लोगों को अस्थमा, टीबी, कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पुणे, मुंबई, गोवा को 24 घंटे बिजली है, लेकिन विदर्भ में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग और महंगी बिजली बिल की मार खुद विदर्भ में भी है। महावितरण कंपनी 67,644 करोड़ के घाटे में है और इस घाटे को पूरा करने के लिए उसने 1 अप्रैल से बिजली दरों में 37% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। 2022 और 1 अप्रैल 2024 तक टैरिफ में 23% की बढ़ोतरी की गई है और अब प्रीपेड मीटर लगाए जाने वाले हैं। इसमें आम नागरिक जो पहले से ही महंगाई के मार चलते हैं, उन पर और बोझा सरकार प्रीपेड मीटर लगवाकर बढ़ाने जा रही है। इसी के मद्देनजर आज विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा सरकार के विरोध में नारेबाजी कर आंदोलन किया गया। आज प्रीपेड मीटर के विरोध में निषेध कार्यक्रम नोंदवत आहो। विदर्भाच्या जनतेवर जो अन्याय होणार आहे प्रीपेड मीटरच्या माध्यमातून, कारण की विदर्भामध्ये सगळ्यात जास्त विजेचे कारखाने आहे, वीज आपल्या विदर्भामध्ये तयार होते, 7,200 मेगावॅट वीज तयार होते, आपल्याला वापराकरता फक्त 7,200 मेगावॅटची गरज आहे, उर्वरित वीज हे पश्चिम महाराष्ट्र आणि इतर भागामध्ये पाठवल्या जाते आणि त्यामुळे त्याच्यामुळे होणारं प्रदूषण, त्याच्यामुळे धोकासुद्धा आपल्यालाच पत्करावा लागतो। त्या प्रदूषणामुळे कॅन्सर, दमा, अस्थमा असे दुर्धर आजार होतात, त्याचा भार सुद्धा विदर्भाच्या जनतेलाच भोगावा लागतो। आज त्या प्रदूषणामुळे नागपुरात असंख्य कॅन्सरचे रोगी आपल्याला आढळतील, कॅन्सर हॉस्पिटल पूर्ण फुल आहे आणि त्यावर हा प्रीपेड मीटरचा भार आपल्या विदर्भाच्या जनतेवर हे लादत आहे, हे चुकीचं आहे। अडाणीने याचं कोटेशन दिलं होतं, त्याची किंमत होती 6,200 रुपये आणि 12,000 रुपयाने त्याला महाराष्ट्राच्या जनतेने स्वीकार केलेला आहे। म्हणजे हे 6,000 रुपयाने प्रति मीटर विदर्भाच्या जनतेची लूट होणार आहे, त्याचा आम्ही इथे निषेध नोंदवत आहोत। कारण की बघा, ह्या देशामध्ये जेव्हा 80 करोड जनता गरीब आहे, त्याला त्याची अन्न घेण्याची पर्चेसिंग कॅपॅसिटी नाही आहे, तर हे महागडे वीज ते कुठून खरेदी करणार याची ह्या प्रशासनाला, शासनाला अक्कल पाहिजे। आणि गरीब जनता असून सुद्धा इथले कास्तकार आत्महत्या करून असं नेहमी त्याची आत्महत्या सुरू असताना सुद्धा हा भार प्रीपेड मीटरच्या माध्यमातून त्यांच्यावर लादला गेलेला आहे। आणि हे बघा, आणि हा फक्त याचा एकच सरकारचा एकच उद्देश आहे, जे उद्योगपती आहे त्यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी, अडाणी, अंबानी यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी हे त्यांचं कारस्थान आहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा देवेंद्र फडणवीस का पुतला फूंककर प्रीपेड मीटर का विरोध जताया गया। कार्यकर्ताओं का रोष देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से आज जो है इलेक्ट्रिक मीटर को लेकर यहाँ पर निषेध आंदोलन किया गया। इस दौरान जो है ऊर्जा मंत्री का पुतला यहाँ फूंका गया है, क्या बताओगे? जय विदर्भ पार्टी का प्रीपेड मीटर को लेकर विरोध है और वो विरोध अभी अंतिम तप्पे में आ चुका है। ये एक ही मीटर हम पूरे विदर्भ में लगने नहीं देंगे, ये जय विदर्भ पार्टी की मांग है। और ऐसे में ये प्रीपेड मीटर लगाने का कारस्थान महावितरण कंपनी और ऊर्जा मंत्री के तरफ से हो रहा है। अडानी और मोंटे कार्लो जिनेट जैसे कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए काम हो रहा है और जनता, गौर गरीब जनता को नुकसान में उसका घातपात करने के लिए काम हो रहा है, उसको अभी हमारे को मानना नहीं। और ये प्रीपेड मीटर हम एक भी लगने नहीं देंगे, इसी मांगनी को लेकर आज हमने देवेंद्र फडणवीस का पुतला फूंका है। और वक्त आएगा हम उसके घर को भी फूंक डालेंगे, परंतु प्रीपेड मीटर कहीं लगने नहीं देंगे। जिस तरह से आज अभी आपने जो रोष जताया है, पुतला फूंका है, जिस अग्रेसिवनेस आपके कार्यकर्ताओं ने दिखाया है, ये आखिर तक रहेगा? ये आखिरी तक है, हमारी लाशें भी जाएंगे परंतु एक प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। वक्त आएगा तो ये हराम खोर जो बैठे हुए सत्ता में उनके छाती पे भी
चढ़ने का काम करेंगे, परंतु एक भी प्रीपेड मीटर लगने नहीं देंगे। आज हम जनता को यहाँ से आह्वान कर रहे कि अगर आपको प्रीपेड मीटर नहीं लगने देना है तो जय विदर्भ पार्टी का आप साथ दीजिए, जय विदर्भ पार्टी के साथ आइए। जनता हमारे साथ आई तो एक भी खासदार एक भी आमदार को हम विदर्भ में भटकने नहीं देंगे और एक प्रीपेड मीटर का विरोध करेंगे। आगे और आक्रमण तेज तेज आंदोलन होगा और ये चलते रहेगा और प्रीपेड मीटर जो है नहीं लगने देंगे, इसके लिए आगे और तेज आंदोलन किए जाएंगे, ऐसी जानकारी जो है यहाँ विदर्भ राज की ओर से दी गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मौर्य के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, बीसीएन न्यूज नागपुर।